हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतीक क्लासेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास का टॉपिक समांतर श्रेणी एक्सरसाइज 5.2, उसका क्वेश्चन है 9। अब क्वेश्चन 8 तक मैंने अपनी पिछली वीडियो में बता दिया था, अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा? कि कोई समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद है वो 4 है और उसका नौवां पद है वो -8 है। एक समांतर श्रेणी है जिसका तीसरा पद है वो 4 है और नौवां पद है वो -8 है, इसका कौन सा पद शून्य होगा? कौन सा पद शून्य होगा? इसका मतलब भी कि ए एन हमें दिया गया है और एन हमें निकालना है। तो शुरू करते हैं हम, जो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है तीसरा पद A3, तीसरा पद A3 है 4 और A3 के लिए मैं लिख सकता हूं A+2D = 4। ये इक्वेशन नंबर 1। अब इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे हम, कि हमें दिया गया है इसमें नौवां पद, हमें इसमें नौवां पद दिया गया है, तो नौवां पद A9 वो है -8 और A9 के लिए मैं लिख सकता हूं A+8D। A+8D आपको नहीं समझ में आया तो मैं बता देता हूं, हम लिखते हैं एन वा सूत्र। एनवे सूत्र का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि An = A+N-1D। एन वा पद का सूत्र है An = A+N-1D और N की जगह हमने यहाँ पे लिख दिया है 9, तो N की जगह अब यहाँ पे मैं लिख दूंगा 9, तो बराबर A+N की जगह यहाँ पे मैं लिखूंगा 9, तो N की जगह 9-1D बराबर A+9 में से 1 घटाने पर हमें 8 प्राप्त होता है, तो ये 8D, इसलिए मैंने ये चीज यहाँ पे लिखी। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब आगे चलते हैं हम, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से हम इक्वेशन नंबर 1 घटा देंगे, तो लिखेंगे हम यहाँ पे समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, समीकरण 2 में से 1 हम घटाने वाले हैं, समीकरण 2 है यहाँ पर A+8D = -8 और समीकरण A है यहाँ पर A+2D = 4। तो लिखते हैं हम समीकरण 2 पहले A+8D = -8 और समीकरण नंबर A + 2D = 4। अब घटाने पर हमको बताया कि हम साइन चेंज करते हैं, तो यहाँ पे प्लस का है तो अब हम यहाँ पे करेंगे माइनस, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये कैंसिल आउट हो गया। 8D में से 2D घटाने पर यहाँ पे हमें प्राप्त होगा 6D, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 6D = 8 और 4 माइनस का 4 है तो ये जुड़ेगी और साइन माइनस का रहेगा, तो 8 और 4 = 12, तो ये -12, डी की वैल्यू -12/6 = -2, तो हमारे पास डी की वैल्यू प्राप्त हुई -2। अब डी की वैल्यू को हम समीकरण नंबर 1 में पुट करेंगे, तो समीकरण नंबर 1 ये लिखेंगे यहाँ पे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 हम यहाँ पे लिखते हैं पहले A+2D = 4, समीकरण 1 लिखा हमने A+2D = 4 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या आई -2 आई, तो A+2 डी की वैल्यू हमारे पास आई -2, तो -2 यहाँ पे हम लिख देंगे = 4, तो A+(-), तो ये माइनस और दो को गुणा करने पर हमें 4 प्राप्त होता है, तो ये 4 लिख देंगे = 4। A = ये 4 है और -4 का पक्षांतरण करने पर ये +4 हो जाएगा, तो A की वैल्यू हमारे पास आई 8। अब हमारे पास A की वैल्यू आ चुकी है 8, D की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है -2 और अब हमें पता लगाना है कि इसका कौन सा पद है वो शून्य है। तो हमें दिया गया है कि An है वो 0 है, लेकिन हमें नंबर नहीं पता, हमें नंबर फाइंड करना है, तो
तो ए एन का सूत्र लगाएंगे हम, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन यहाँ पे कितना है, जीरो है, तो जीरो बराबर ए की वैल्यू हमारे पास आई यहाँ पे आठ, ए की वैल्यू हमारे पास आठ है, तो ये आठ प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता, तो ये ऐसा का ऐसा हम यहाँ पे लिख देंगे। और डी की वैल्यू हमारे पास है माइनस दो, तो डी की वैल्यू माइनस दो यहाँ पे हम लिख देंगे। अब आठ का हम पक्षांतरण करेंगे, पक्षांतरण करने पर ये माइनस आठ हो जाएगा, तो माइनस आठ बराबर एन माइनस वन इंटू माइनस टू। अब एक स्टेप और यहाँ पे लिख लेते हैं, माइनस एट अपॉन माइनस टू, क्यों, क्योंकि जो भी संख्या गुणा में होती है वो नीचे भाग में आ जाती है, माइनस माइनस कैंसिल आउट और ये एन माइनस वन। अब दो का भाग है वो आठ में देने पे हमें कितना प्राप्त होगा, चार, तो ये चार बराबर एन माइनस वन, चार प्लस एक बराबर एन, चार और एक पाँच, तो ये पाँचवा पद है वो शून्य होगा। तो आई होप कि आपको नौवा क्वेश्चन है वो समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं दसवें क्वेश्चन की ओर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का सत्रहवां पद है वो हमें दिया गया, सत्रहवां पद उसके दसवें पद से सात अधिक है। इसमें एक वाक्य बोला गया है कि सत्रहवां पद है वो दसवें पद से सात अधिक है, इसमें सार अंतर हमें ज्ञात करना है। तो जैसा कि हमें दिया गया है कि जो सत्रहवां पद है A17 वो दसवें पद से सात अधिक है, सत्रहवां पद है वो बराबर है कि दसवें पद से सात अधिक है, तो A17 इसको हम पक्षांतरण कर लेते हैं इसका, तो ये माइनस 18 इज इक्वल टू 7। अब जो सत्रहवां पद है उसको मैं लिख सकता हूँ A प्लस 16D माइनस ए प्लस 9D बराबर 7। अब कोष्ठक का चिन्ह है वो हम सरल करेंगे, तो माइनस इंटू प्लस माइनस ए माइनस इंटू प्लस माइनस 9D बराबर 7। अब ये प्लस का ए है ये माइनस का ए, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और 16D में से 9D घटाने पर हमें प्राप्त होगा 7D बराबर 7। गुणांक का बराबर वाली संख्या में हम भाग देते हैं, तो 7/7 बराबर 1। तो इस क्वेश्चन में हमें केवल सार्व अंतर पूछा था कि इसका सार्व अंतर हमें ज्ञात करना है, तो हमारे पास सार्व अंतर इसका आया 1। तो क्वेश्चन नंबर 10 बस इतना ही था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 है, 11 क्वेश्चन दिया है कि एक श्रेणी दी गई है 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद 54वें पद से 132 अधिक है, कि एक पद है कि वो 54वें पद से 132 अधिक है, उसका हमें पता लगाना है। तो हम पहले फाइंड करेंगे 54वां पद क्या है, क्यों उसमें 132 ऐड करने पर हम पता लगा सकेंगे वो पद कौन सा है। तो प्रथम पद हम दी गई अभी लिखते हैं, दी गई समांतर श्रेणी, दी गई समांतर श्रेणी है 3, 15, 27, 39। इसमें प्रथम पद जिसको हम ए से निरूपित करते हैं, प्रथम पद ए है 3, सार्व अंतर निकालना होगा, तो सार्व अंतर डी, इसके लिए हम दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे, तो दूसरा पद है यहाँ पे 15 है, दूसरा पद है 15 है माइनस 3, और 15 में से 3 गया तो 12 है, सार्व अंतर आ गया। और एन दिया गया है हमें 54, और 54वां पद क्या है वो हमें पता नहीं, वो हमें पता लगाना है। अब जो क्वेश्चन में मुझे दिया गया है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, अब मैं इसको सॉल्व करूँगा। तो एनवे पद का सूत्र लिखेंगे हम, एनवे पद का सूत्र, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी, ए एन की जगह ए 54 बराबर ए, ए की वैल्यू यहाँ पे है 3, तो ए की वैल्यू हम यहाँ पे 3 लिखने वाले हैं, 3 प्लस एन 54 माइनस एक, और डी की वैल्यू है 12 है। ए 54 बराबर 3 प्लस
54 में से एक घटाने पर 53 और ये 12 है। 3 प्लस 53 और 12 को गुणा कर लेंगे, 636। अब 636 में हम 3 ऐड करेंगे, 636 में 3 ऐड करेंगे तो ए 54 बराबर यह हो गया 639। अब ये तो 54वां पद आ गया है। अब हमें पद का पता लगाना है कि जो 54वें पद से 132 अधिक है, तो वो पद हमें पता नहीं, तो हम इसको लिख लेंगे ए एन बराबर ए 54 प्लस 639 सॉरी 132, और ए 54 है वो आया हमारे पास 639 प्लस 132, और इसको जोड़ने पर 771 प्राप्त होता है। तो 771 है वो ए एन आया है। अब हमें एन की वैल्यू फाइंड करनी है इसमें, तो फिर से सूत्र लगाएंगे ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ए एन की वैल्यू है 771 बराबर ए की वैल्यू हमारे पास है 3, तो 3 प्लस एन की वैल्यू हमें नहीं पता और डी की वैल्यू है वह है 12 है। अब इसका हम पक्षांतरण करेंगे तो ये माइनस 3 हो गया और ये एन माइनस वन इंटू 12। 771 में से 3 हम घटाएंगे तो हमारे पास बच गया ये 768 हमारे पास बचा। अब गुणांक हम बराबर वाली संख्या में भाग देते हैं, तो 12 का भाग 768 में देंगे तो ये 64 बार गया। तो अब हम लिखेंगे 64 बराबर एन माइनस वन। देखिए हमने यहाँ पे किया क्या, पहले 54वां पद निकाला, बाद में 54वें पद में 132 जोड़ा, तो हमारे पास प्राप्त हुआ 771। 771 हमारे पास ए एन वा पद आया, इसमें हमें एन का मान ज्ञात करना है। एन का मान ज्ञात करना है तो 771 एनवे पद का सूत्र लगाया, तो ये ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन डी। ये 771 बराबर ए की वैल्यू हमारे पास थी 3 प्लस एन माइनस वन और डी की वैल्यू थी हमारे पास 12। बाद में हमने इसको सोल्व किया, सोल्व करने पर हमारे पास ये प्राप्त हुआ। अब 64 और ए का पक्षांतरण करने पर ये प्लस 1, तो एनवा पद है वो हो गया 65। तो जो 65वां पद है वो 54वें पद से 132 अधिक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हुआ। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें दिया गया है दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। कोई भी दो समांतर श्रेणी मान लीजिए, उनमें जो डी की वैल्यू है वो सेम है, डी की वैल्यू है वो सेम है। यदि इनके 100वें पदों का अंतर, 100वें पदों का अंतर कि जो दो समांतर श्रेणी है इनमें 100 पद है, इनका अंतर है वो 100 ही है, वो 100 ही है, तो हमें हजारवें पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो अब हम लिखते हैं, मान लीजिए पहली श्रेणी है, माना पहली समांतर श्रेणी, वो है ए। पहली समांतर श्रेणी हमने मान ली यहाँ पे ए। इसके बाद दूसरी समांतर श्रेणी, तो माना दूसरी समांतर श्रेणी ए डी। ये इतना क्वेश्चन हुआ। अब इसके बाद में इसमें दिया गया है कि इनमें जो 100वें पदों का अंतर है,
इन दोनों समांतर श्रेणियों के सोवे पदों का अंतर हुआ है 100। तो पहली समांतर श्रेणी का सोवा पद हम लिख सकेंगे ए 100। इनका अंतर मतलब माइनस दूसरी समांतर श्रेणी का अंतर वो 100 है। जैसा कि क्वेश्चन में दिया गया है कि ये दो समांतर श्रेणी है, इनके सोवे पदों का अंतर वो 100 ही है। तो पहली समांतर श्रेणी हमने मानी ए, तो इसका सोवा पद, दूसरी समांतर श्रेणी इसका भी सोवा पद, और उनका अंतर कितना है वो 100 ही है। तो अभी हम इसको सोल्व करेंगे, तो ये हो गया ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश प्लस 99 डी डैश सॉरी डी बराबर है 100। अब ए प्लस 99 डी माइनस ए डैश माइनस 99 डी बराबर क्यों 100। हमने यहाँ पे डी डैश क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें दिया गया कि सार्व अंतर है वो समान है, इसलिए हमने यहाँ पे डी डैश नहीं लिखा। तो ये प्लस 99 डी माइनस 99 डी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इक्वेशन आया ए ए माइनस ए डैश बराबर 100। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमें क्या करना है कि इसी समांतर श्रेणी में हजारे पदों का अंतर ज्ञात करना है। तो हजारे पद के लिए हम लिखेंगे समांतर श्रेणी तो वही रहेगी, तो ए हजार माइनस ए डैश हजार, इसका हमें पता नहीं है। तो अब ए हजार को हम लिखेंगे ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश प्लस 999 डी, ए प्लस 999 डी माइनस ए डैश माइनस 999 डी, ये कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास इक्वेशन आया ए ए माइनस ए डैश। तो ये इक्वेशन नंबर दो। अब देखिए इक्वेशन नंबर एक और इक्वेशन नंबर दो, इनकी तुलना करें हम। इक्वेशन नंबर एक ए माइनस ए डैश बराबर 100, और इक्वेशन नंबर दो ए माइनस ए डैश। तो ए माइनस ए डैश ए माइनस ए डैश, तो इनका अंतर भी कितना होगा 100। क्यों, समीकरण एक से हम कह सकते हैं कि ए माइनस ए डैश है वो 100 के बराबर है, तो हजारवें पदों का अंतर भी कितना होगा 100 होगा। तो हम लिखेंगे हजारवें पदों का अंतर सो ही होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 12 तक कंप्लीट होते हैं। अब हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में अगले क्वेश्चंस के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स।